लिबर ऑफिस काल करे लिंकिंग उपर स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे हमें सिखिबा काल करे अन्य शीट्स किपर रेफरेंस करा जाए, काल करे किपर हाइपरलिंक व्यवहार करा जाए। एठारे हमें निज ऑपरेटिंग सिस्टम भाबे उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 व्यवहार करूछु। जदि आपण दुईटी स्प्रेडशीट सेव करछंती तबे लिबर ऑफिस काल्क आपण को गोटिए सीट रो सेल रु वर्तमान सीट रो सेल रे अन्य स्प्रेडशीट रु गोटिए सेल को रेफरेंस करिवार अनुमति देथाय। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods खोलंतु। आम फाइल रो सीट 1 रे पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर पे स्प्रेडशीट अछि। मु स्पेंट ओ रिसीव्ड कॉलम रे किछि राशि मिसाइ छी। एबे क्रमशः कॉस्ट और स्पेंट रे कंपोनेंट रो सर्वमोट काढ़िबा। C9 सेल रे क्लिक करी इज इक्वल टू सम ओ ब्रैकेट मध्य रे C3 कलन C7 फॉर्मूला एंटर करंतु। ओ तापरे एंटर दबंतु। D9 सेल रे क्लिक करंतु ओ समान फॉर्मूला व्यवहार करी समुदाय बाहर करंतु। एबे आमे सेल रेफरेंसिंग व्यवहार करी एक भिन्न सीट रे कॉस्ट और स्पेंट अंतर्गत समुदाय बैलेंस प्रदर्शित करिबा। सीट 2 टैब रे क्लिक करंतु। एहा एक नुआ सीट खोले। वर्तमान A1 सेल रे क्लिक करंतु ओ ता भितरे कंपोनेंट हेडिंग टाइप करंतु। B1 सेल रे क्लिक करी ता भितरे बैलेंस हेडिंग टाइप करंतु। एबे हेडिंग तले कंपोनेंट गुड़ी कर नाम एंटर करंतु। A3 सेल रे क्लिक करी कॉस्ट टाइप करंतु ओ एंटर दबंतु। कॉस्ट तले थिबा A4 सेल रे स्पेंट भाबरे परवर्ती कंपोनेंट एंटर करंतु। एबे खाली सेल B3 रे क्लिक करंतु। कॉस्ट ओ स्पेंट हेडिंग तले B3 ओ B4 रे समुदाय बैलेंस रहिबो जहाँ आमे सीट 1 रे गणना करिबा। एहा को रेफरेंसिंग द्वारा करा जिबो। B3 सेल रे सेल रेफरेंस करिबा पई इनपुट लाइन पाखरे थिबा इक्वल टू चिन्ह उपरे क्लिक करंतु। वर्तमान सीट टैब रे सीट 1 उपरे क्लिक करंतु। एही सीट रे आमे C9 सेल उपरे क्लिक करिबा जहाँ कॉस्ट कॉलम रे समुदाय रखिछि। देखंतु इनपुट लाइन रे सीट 1.C9 स्टेटमेंट प्रदर्शित हेउछि। एबे इनपुट लाइन पाखरे थिबा चेक मार्क उपरे क्लिक करंतु। देखंतु सीट 1 टैब रो कॉस्ट तले थिबा सर्वमोट सीट 2 टैब रे थिबा B3 सेल रे ऑटोमेटिकली एंटर होई गला। सही परि आमे रेफरेंस माध्यम रे अन्य कंपोनेंट गुड़ी कर सर्वमोट एंटर करि परिबा। बहुत डाटा सहित जदि अनेक सीट्स थाए तेबे से गुड़ी को सारांशित करबा पई रेफरेंसिंग बहुत उपयोगी सब्यस्त होई थाए। एबे काल्क सीट रे हाइपरलिंक किपरि क्रिएट करा जाए सिखिबा। आपण हाइपरलिंक्स व्यवहार करि परिबे एक स्प्रेडशीट मध्य रे विभिन्न लोकेशन को विभिन्न फाइल्स को किंबा एपरिकी वेबसाइट्स मध्य जंप करिबा पाई। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods रे सीट 1 रे पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर अछि ओ अन्य सब विषय सीट 2 रे अछि। धरंतु आमे सीट 1 रु सीट 2 को जंप करबा को चाहु छे। प्रथमे सीट 1 टैब रे क्लिक करंतु। एठारे B14 सेल रे क्लिक करी सीट 2 एंटर करंतु। देखंतु इनपुट लाइन रे सीट 2 नाम प्रदर्शित हैला। एबे इनपुट लाइन रे सीट 2 टेक्स्ट सिलेक्ट करंतु। टेक्स्ट सिलेक्ट करिवा परे टूल बार रे थिबा हाइपरलिंक आइकन उपरे क्लिक करंतु। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स देखा देबो। बाम पटे डॉक्यूमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करंतु।
ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ସିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଆସିବ ତାହାର ସିଟ୍ ଟୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ହାଇପରଲିଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସରୁ ଆପ୍ଲାଏ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ସହିତ ସାମ୍ନାରେ ସିଟ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ସେହି ସିଟ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିଛେ। ଆମେ ହାଇପରଲିଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ। ହାଇପରଲିଙ୍କ କାଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇପରଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ସଟ ସିଟ୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମେନୁରୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସଟଟି ଆଉ ହାଇପରଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ସଟ ପରି ହୋଇଗଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡୁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଲିବର୍ ଅଫିସ୍ କାଲ୍କ ଉପରେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, କାଲ୍କରେ ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ସକୁ ରେଫରେନ୍ସ କରିବା, କାଲ୍କରେ ହାଇପରଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.orgକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ICT ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।